अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सद्दक हुसैन। आज मैं आपको दसवें चैप्टर की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कराने जा रहा हूँ। और आज का हमारा लेसन नंबर जो है वो है 58। सवाल है सैटेलाइट्स और इसकी एग्जाम पर तफसीली गुफ्तगू करें और फ़ायद पर रोशनी डालें। इसका आंसर है पेज नंबर 164 के ऊपर। सैटेलाइट्स बाहर के ममालिक से किसी अहम शख्सियात की तकरीर या मुख्तलिफ किस्म के मैचेस वर्ल्ड ओलंपिक्स मक्का मुकरमा से रमज़ान मुबारक में तरावी और हज के रूह पर परवर मनाजर वगैरह नशर होने से पहले टीवी पर इनकी स्लाइड दिखाई जाती है। सैटेलाइट्स के जरिए ये तमाम प्रोग्राम मसनूई स्यारे के जरिए नशर किए जाते हैं। कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो टेलीफोन की बातचीत नशर करते हैं और टेलीविज़न के प्रोग्राम पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। ये एक खास मदार में गर्दिश करते हैं जो जियोस्टेशनरी मदार कहलाते हैं। सैटेलाइट्स मौसम की पेशगोई करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सैटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सोलर सेलों के पैनल्स से हासिल की जाती हैं। ये पैनल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। ऐसे हवाई जहाज जो सूरज से पहले से बहुत दूर फासले पर सफ़र करते हैं, छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने हमरा रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक पावर हासिल करते हैं। ये था आंसर आज के सवाल का। इसको अपनी हिस्सा का पेपर नोट कर लेना है और याद करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।